क्या आपने कभी सोचा है कि हवा में उड़ान भरे बिना हवाई जहाज से भी तेज गति का सफर किया जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। हाइपरलूप तकनीक से यह संभव है और आने वाले दिनों में आपको अपने देश में भी ऐसे सफर का मौका मिल सकता है। दरअसल भारत सरकार दिल्ली मुंबई समेत 6 शहरों के बीच हाइपरलूप ट्रेन चलाने पर विचार कर रही है। हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी ने भारत के सामने एक हाइपरलूप ट्रेन का प्रस्ताव रखा है। अमेरिकी कंपनी हाइपरलूप वन के चेयरमैन एलन मस्क ने भारत सरकार को प्रस्ताव दिया है कि चेन्नई से बेंगलुरु के बीच ट्रेवल पोर्ट्स के जरिए 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से लोग यात्रा कर सकेंगे। हाल ही में कंपनी ने भारत में यह सुविधा शुरू करने में रुचि दिखाई है। अगर केंद्र सरकार इसकी मंजूरी देती है तो भविष्य में 6 शहरों के बीच यह ट्रेन दौड़ेगी। हाइपरलूप ट्रेन चेन्नई से बेंगलुरु, चेन्नई से मुंबई, पुणे से मुंबई, बेंगलुरु से तिरुवनंतपुरम और मुंबई से दिल्ली के बीच चलाई जाएगी। इसे तैयार करने की अनुमानित लागत तकरीबन 270 करोड़ रुपए आएगी। अगर सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दे तो आप दिल्ली से मुंबई तक का सफर मात्र 70 मिनट में पूरा करेंगे, जबकि प्लेन से यह सफर 2 घंटे और ट्रेन से आपको 15 घंटे का सफर करना पड़ता है। अब आपको बताते हैं कि कैसी है हाइपरलूप ट्रेन। यह ट्रेन हाइपरलूप ट्यूब के भीतर कम दबाव वाले क्षेत्र में चलेगी। हाइपरलूप ट्रेन बुलेट ट्रेन से दोगुनी रफ्तार से दौड़ेगी। यह ट्रेन चुंबकीय तकनीक से लैस पॉड यानी ट्रैक पर चलेगी। वैक्यूम ट्यूब सिस्टम से गुजरने वाली कैप्सूल जैसी हाइपरलूप 750 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। तो बुलेट ट्रेन चलाने के मामले में भारत भले ही चीन और जापान जैसे देशों के मुकाबले पीछे हो, लेकिन हाइपरलूप ट्रांसपोर्ट के ट्रायल के मामले में भारत तमाम बड़े देशों से आगे निकल सकता है। बस इंतजार है तो सिर्फ सरकार की मंजूरी का। देखते रहिए डीबी लाइव।